जनपद संभल के चंदूसी तहसील क्षेत्र में स्थित साहू चुन्नीलाल के धर्मशाला में मुकेश फैंस क्लब ने एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। जनपद संभल के चंदूसी तहसील क्षेत्र में स्थित साहू चुन्नीलाल की धर्मशाला में मुकेश फैंस क्लब ने गायक मुकेश को स्मृति में एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके फैंस का कहना था कि वह बीते 11 वर्षों से लगातार मुकेश जी की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उनके गीतों के माध्यम से उन्हें लोगों के जहन में तरोताजा रखते हैं। उनके गीतों में एक मिठास होती थी जो कि उनकी आवाज के साथ कानों में घुल जाती थी, इसलिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष करते हैं। आज जो आपने कार्यक्रम कराया है एक शाम मुकेश के नाम पे, क्या आप हर साल कराते हैं? ये हर साल जी 14 साल का लगभग लगभग 14 वर्षों से हम लोग इसी तरह आयोजित करा देते हैं और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। हमारी जो सिस्टम है उसमें 27 अगस्त हमारे लिए हमेशा याद रहता है। मुकेश जी हमारी आत्मा में भरे हुए हैं, मुकेश जी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे लोग। कितने सालों से इस कार्यक्रम पर हैं? कंटिन्यू 14 सालों, 14-15 साल हुए। हाँ, इनकी तारीफों में हम कितनी भी तारीफ करें वो थोड़ी है। और ये कार्यक्रम हम हर साल कम से कम 15 सालों से हम ये कार्यक्रम करते हुए आए हैं और हम पूरी चंदूसी की जनता उनका सहयोग लेकर ये कार्यक्रम करते हैं और संगीत के प्रेमी जितने भी हैं वो पूरा आनंद लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि हर साल ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहे और ऐसे ही संगीत प्रेमी मिलते रहें। लेकिन अभी आपने भी ये गाना मुकेश जी की आवाज़ में गाया था जी, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए उसको। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार का बस दीदार किया है। आप मुकेश जी के फैन बचपन से ही हैं? हाँ, ये मैं बचपन से ही मुकेश जी का फैन रहा हूँ। और क्या बताएंगे आप मुकेश जी के बारे में कुछ खास बात? मुकेश जी के बारे में इतना जानता हूँ कि एक बार स्विट्जरलैंड में मुकेश जी का शो हो रहा था जिसमें नितिन मुकेश उनके बेटे भी गए हुए थे, तो मुकेश जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जब भी आप शो करो तो दो गीत मोहम्मद रफ़ी साहब को जरूर याद कर लो, क्योंकि मैं भी उनके फैन हूँ उनका और जब भी मैं कोई शो करता हूँ तो उनका एक गीत दो गीत जरूर गाता हूँ।